अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत झटपट तैयार होती है। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चिकन पास्ता मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक पैकेट पास्ता का, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं, हाफ कप ऑयल, हाफ के जी चिकन, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। दो मैंने शिमला मिर्च ली हैं, 3 से 4 टमाटर लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसमें ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट, केचप और लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले मैं टमाटर का और प्याज का और इसमें मैं सब मसाले डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। तो चलिए इनका पेस्ट बनाते हैं। मैंने एक जग लिया है ब्लेंडर का और इसमें मैं ये टमाटर कट करके ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं प्याज कट करके ऐड कर दूंगी। अब मैंने टीस्पून लिया है, टीस्पून से मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी, तकरीबन 2 टीस्पून। आप चाहें तो ये ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको पसंद है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जितना आपको पसंद है। टू टीस्पून में इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगी, इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को बना के मैं साइड पे रख दूंगी और बाद में फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसका पेस्ट बनाते हैं। ये देखें, इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी और अब हम शिमला मिर्च कट कर लेंगे बारीक बारीक सी। तो चलिए मैं शिमला मिर्च कट करके आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से कट करनी है। बिल्कुल बारीक बारीक सा आपने इसे कट कर लेना है और इसी तरह से मैं सब कट कर लूँगी। इसमें मैं सिर्फ शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैं सिर्फ शिमला मिर्च ऐड करके आपको ये बना के दिखाऊँगी कि ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो आप भी इसमें सिर्फ शिमला मिर्च ही ऐड कीजिएगा। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं शिमला मिर्च के बग़ैर, या आप इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो ये सब मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है और इसे मैं साइड पे रख दूँगी। ये जो जो मसाले मैं यूज़ कर चुकी हूँ इन्हें भी मैं साइड पे कर दूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं पास्ता और चिकन को बॉयल कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक पतीली ली है और इसमें मैं एक जग गरम पानी का ऐड कर दूंगी, आप ऐसे भी गरम कर सकते हैं। तो मैं गरम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, पानी गरम है काफ़ी, आप भी गरम कर लीजिएगा या एक बॉयल इसमें आ जाए फिर आप ये ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी 1 स्पून। तो 1 स्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, 1 स्पून में इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं इसे बॉयल करूंगी और 10 मिनट में चिकन और पास्ता दोनों अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। हाँ जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं
ये देखें, ये पास्ता बिल्कुल अच्छा सा बॉईल हो गया है और चिकन भी बॉईल हो गया है। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप इसे बॉईल करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा, तो 10 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो जाता है। तो अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी, तो चलें इसे बाउल में निकालते हैं। इसे अच्छी तरह आपने बाउल में निकालना है कि इसका पानी बिल्कुल अलग हो जाए, और बस पास्ता आप अच्छी तरह छान के बाउल में निकाल लें। तो अब सब चिकन पीसेस मैं अलग से प्लेट में निकाल लूँगी और इसे श्रेड कर लेंगे। चिकन साथ ही बॉईल करने से टाइम भी ज़ाया नहीं होता और काम जल्दी हो जाता है, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि चिकन साथ ही बॉईल कर लिया करें। अगर आप इसमें मटर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ ही ऐड कर लिया करें। अब मैं चिकन को अच्छी तरह श्रेड कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक सा, ये देखें। इसी तरह से अब मैं ये सब चिकन श्रेड करके रख लूँगी साइड पे, और तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो एक मैंने पैन लिया है, पैन में मैं हाफ कप ऑयल ऐड कर दूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं पेस्ट ऐड कर लूँगी जो कि मैंने बना के पहले ही रख लिया 3 था। मिनट में ऑयल गर्म हो गया था और अब इस इसमें पेस्ट मैंने ये को अच्छी पेस्ट ऐड तरह कर मैं दिया भून है। लूँगी, अब और जैसे इसको ही ऑयल अच्छी ऊपर तरह आना मैंने शुरू हो कुक करना जाएगा है तो कि इसमें मैं शिमला इसका मिर्च ऐड सारा कर पानी दूँगी ड्राई हो जाए और ये मसाला अच्छे से भुन जाए। और देखें, ये इस तरह से अच्छे से भुन रहा है और ऑयल जैसे ही ऊपर आ जाएगा और ये तो अच्छी तरह हम ड्राई हो गया इसमें है, शिमला मिर्च ऑयल ऐड ऊपर आ करेंगे गया है, और तो ये अब मैं देखें ये इसमें ड्राई शिमला हो मिर्च गया है ऐड बिल्कुल। करूँगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैं श्रेड चिकन ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। अच्छी तरह दम आ गया है तो अब मैं इसमें पास्ता ऐड करूंगी। पास्ता ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सब मसाले पास्ते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो पास्ता मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर दूँगी। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऐड किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और लास्ट में इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और इसे 5 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। और ये देखें, 5 मिनट हो गए हैं, ये बहुत अच्छा सा रेडी है। इसे आपने पास्ता ऐड करने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना वरना पास्ता जल जाता है। आप चाहें तो पास्ता ऐड करने के बाद नीचे दम के टाइम पे आप तवा भी रख सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी नीचे से ना जले, और आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, तो बिल्कुल अच्छा सा पास्ता तैयार हो जाएगा, बिल्कुल जलेगा भी नहीं। और इस तरह से आप बना सकते हैं, मेहमानों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो वो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक न्यू रेसिपी आप सबके लिए लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।